देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी शांजी की सत्कृपा से नारायण सरोवर आने का ये दूसरा मौका हुआ सभी साधकों के साथ। इससे पहले 10 साल पहले भी यहाँ आया था। इस बार फिर नारायण सरोवर आने का मुख्य कारण ये था कि मैंने स्कंद पुराण में पढ़ा है, जब भारत पर विपदा आई और बहुत बड़ा तूफान इस तरह भारत पर प्रलयंकारी बनकर आया था, तब भगवान विष्णु से प्रार्थना करने पर उन्होंने यहाँ आकर बगलामुखी माता का आविर्भाव कर इस सरोवर की उत्पत्ति की, और इस सरोवर से बगलामुखी की उत्पत्ति हुई और उस प्रलय को थाम लिया गया, यानी देश की रक्षा की गई। हमारे को एक साल से आप जानते हैं कोरोना जैसी महामारी अपने पास विजृंभित है। मेरा यही कहना था कि प्रभु इस महामारी से भी, इस उत्पात से भी हमें बचाओ, तो ऐसा लगा कि फिर हम नारायण सरोवर में आकर वही मंत्र करेंगे जिस मंत्र का उपदेश भगवान विष्णु ने बगलामुखी के प्रत्यर्थ दिया था, और वह साधना जो उन्होंने करते हुए भारत पर आई आपदा को रोका था, उस उद्देश्य को लेकर मैंने फिर एक बार नारायण सरोवर आने का निश्चय किया। और गुजरात के गुरु भाइयों के साथ मैंने जब यह कहा तो सभी लोग सामने आए, और आज आप जो देख रहे हैं बस कि ऐसी महामारी से हम, इस उत्पात से हम आगे किसी का नुकसान न होते हुए आगे बढ़ें और सभी की इच्छा पूर्ण हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए इस साधना प्रत्यर्थ आज रथ सप्तमी के बाद अष्टमी आई हुई है और इसको आज भीष्माष्टमी कहा गया है। भीष्माष्टमी के दिन भीष्म जो इच्छा मृत्यु के साधक थे कहते हैं कि अगर पितरों को इस दिन हम जल चढ़ाते हैं तो वे किसी भी जगह नरक में हो या हम किसी पितृबाधा से पीड़ित है, जैसे कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पति पत्नी का मन मुटाव है, घर में धन नहीं रहता, दरिद्रता है, काम नहीं मिलता, काम करने पर हमें कोई सफलता नहीं मिलती, कितने कर्म करने पर भी हमें सफलता नहीं मिलती, और हम दुखी होते हैं कि अपने पारिवारिक समस्याओं से, वैसे ही हमारे कर्म में अड़चने जो आती रहती है यह कोई ना कोई दोष के कारण, पितृदोष के कारण आदि कारणों से ही यह सब होते रहता है। तब उन पितरों को जो अतृप्त है, आत्मा के रूप में घूमते रहते हैं, उनकी उनको तृप्त कर अगर उनको हम स्वर्ग प्रदान करते हैं या उनको आगे बढ़ाने की क्रिया करते हैं। इसमें कहा गया है कि गया से भी, गया जितना विष्णुपाद के नाम से जाया जाता है, और नारायण सरोवर भी आज विशिष्ट तिथि होने के कारण, कल भी अष्टमी है, इसको भीष्माष्टमी कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इस नारायण सरोवर में केवल जल तर्पण देकर ब्राह्मणों को दान, क्षेत्रज्ञ ब्राह्मणों को दान देने से अपने पितर कहीं भी हो उनका उद्धार होता है और वे आगे बढ़ते हैं, ऐसा पुराण कहता है। स्कंद पुराण में भी आया है, पद्म पुराण में भी आया है। इसी भावना को जागृत रखते हुए कि हम यहाँ आकर साधना संपन्न करें, मैंने तो पद्म पुराण में पढ़ा है, आज हम जिस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाते हैं उस पीपल के वृक्ष को एक ज़माने में विशिष्ट मंत्र जो नारायण सरोवर में भगवान विष्णु ने कहते हुए कहा था कि मैं इसमें वास करता हूँ, इस पीपल के वृक्ष में वास करता हूँ, जो इस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाता है उसकी, उसके पितर कभी भी नरक को अनुभव नहीं करते, स्वर्ग को अनुभव करते हैं, और जिसके पितर स्वर्ग को अनुभव करते हैं उनको किसी प्रकार का दोष नहीं रहता। जैसे हमारे में आकस्मिक प्रण प्राप्त करने वाले, भ्रूण हत्याएं, छोटा बच्चा अपने गर्भ को निकालने वाले या गर्भ को निकालने के लिए गोलियां लेने वाले, बच्चों का आकस्मिक मरण होता है तो वो माता पितर फांसी लेना, एक्सीडेंट में मरना, विष लेना, इससे कारण जो मृत्यु होती है वो अतृप्त आत्माएं घूमती रहती है, और उनको अगर हम उन आत्माओं को मुक्ति देना चाहते हैं तो नारायण सरोवर ऐसे स्थान है जहाँ उस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं तो हम उनको मुक्ति देते हुए प्राप्त हैं मुक्ति। सच बात तो एक काल की, एक समय की बात है, कहा जाता है कि उस पीपल के वृक्ष को विशिष्ट बगलामुखी और नारायण मंत्र से
मंत्र देते हुए जल चढ़ाते हैं, तो मैंने सुना है कि उस पीपल के वृक्ष से जल चढ़ाते ही पितर, एक पीपल का पत्ता नीचे पड़ता था और उस जमाने में उस पितर का नाम उस पीपल के पत्ते पर आता था जिसको मोक्ष मिल गया। वो कहता था कि मुझे मोक्ष, इतना विशिष्ट स्थान है इस पीपल के वृक्ष का। और उसका उस विशिष्ट मंत्र को क्षेत्रज्ञ ब्राह्मण जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन पद्म पुराण में एक जगह बगलामुखी की साधना, बगलामुखी महाविद्या की मंदार विद्या नामक विद्या है, उस विद्या में कहा गया है कि नारायण सरोवर के पास उस पीपल को जल चढ़ाते हुए इस मंत्र को अगर बोला जाए तो उस पीपल के वृक्ष से एक पत्ता नीचे गिरे तो उसके ऊपर निश्चित रूप से आपके पितर जो अतृप्त हैं, जो नरक अनुभव कर रहे हैं, उनको स्वर्ग प्राप्ति मिलती ही है और उसके ऊपर उनका नाम आता है, ऐसा कहा गया है। अब ये शास्त्र ने शास्त्र रूप से कहाँ तक है, शास्त्र तो ऐसा कहता है। और उस विशिष्ट बगला मंत्र की श्रेष्ठता बहुत लोगों ने मानी है, पहले भी चलता था। अब शायद हो सकता है किसी, आजकल हम उन उस पवित्रता को नहीं रखते इसलिए उस पत्ता गिरना या उसके ऊपर अपने पितरों का नाम आना नहीं होता होगा, लेकिन जो गुरु का उपदेशित है, गुरु से दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की है और गुरु कार्य करते हैं और गुरु मंत्र जप का, गुरु का मंत्र जप करते हैं, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनको इसका अनुभव हो सकता है। अपने पितरों को किसी कारणवश, बहुत सारे लोगों को ऐसे रोग से पीड़ित हो जिसका क्यूर न हो, जिसको उस रोग का निवारण न हो, और हमने बहुत सारे देखे कि अपने घर में कितना प्रयत्न करने पर भी, सब होने पर, सब रहने पर भी घर में शांति नहीं होती। जैसे पैसा है सब कुछ है शादी नहीं होती, पैसे हैं सब कुछ है पुत्र प्राप्ति नहीं होती, संतान नहीं होती, हमारे घर में कोई ना कोई घर में मन मुटाव रहता है, शादी भी होती है तो डाइवर्स की तरफ जाती है। ये सारी क्रियाएं किस लिए होती है, किसकी तरफ से होती है, कौन है, ग्रहों की पीड़ा। ग्रहों की पीड़ा कब आती है, तुम अगर तुम्हारे पितरों को कोई ना कोई कष्ट पहुंचाए हो या पितर तुम्हारे तुमसे अतृप्त हो तब ये कार्य होता है अपने घर में। कैंसर जैसे रोग होना, जिस रोगों से हमें बाज नहीं आती, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ दोष होते हैं और इस दोष को थोड़े ज्योतिषी लोग अपने अपने मार्गों से बोलते हैं और थोड़े अपने अपने कार्यों से या कालपुरुष साधना से हम इसे जान सकते हैं कि इस कौन से दोष के कारण यह कष्ट अनुभव कर रहा है। और उसके निवारण के लिए उसका भी हो सकता है, उसके यहाँ अगर हम यहाँ आकर साधना संपन्न करते हैं तो उन पितरों को मोक्ष मिला, और जब पितर तृप्त हो जाते हैं तो अपने घर में इन समस्याओं से समाधान आवश्यक रूप से मिलता है। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि आजकल माता पिता बच्चों के साथ नहीं जमती, बच्चों का माता पिता के साथ नहीं जमता, बहू है घर में सुख से रहने देती या तो पति को नहीं तो माता पिता को, ये कारण क्या हुआ? पहले सभी फैमिलीज कैसे कुटुंब परिवारजन मिलके रहते थे, आज क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, को किस दोष के कारण अपने वो घर में वो बहू अपने घर में आई या ऐसा बेटा अपने घर में पैदा हुआ, ये क्या है, कौन से दोष के कारण हुआ। तो इस दोषों का निवारण करने के लिए अगर हमने किसी को पीड़ित किया है तो वो अपने को किसी न किसी रूप में पीड़ित करते हैं, बेटा होकर, बहू होकर, पोता होकर, भाई होकर, बहन होकर, किसी न किसी तरह पीड़ित करता है। और इस पीड़ा को निवारण के लिए हमें पितर की साधना करनी चाहिए। अब नारायण सरोवर में हम विशिष्ट बगला मंत्र से अगर हम उस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ा दें और नहीं है तो कहा जाता है कि नारायण सरोवर में भगवान विष्णु ने कहा था कि यहाँ आपके पास बगलामुखी देवी का कोई भी यंत्र हो, इस नारायण सरोवर में अगर पानी में रख के एक मिनट बगला मंत्र बोलकर निकालते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक हो जाती है और उसके माला की भी प्राण प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक हो जाती है। तब यहाँ इस नारायण सरोवर को हरिद्रा सरोवर नाम से भी जाना जाता है, जो स्तंभन विद्या का श्रेष्ठ कारक माना गया है। स्तंभन विद्या को रोक लेना, रोक देना, तो इस विद्या के पीछे, इस स्तंभन विद्या के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि स्तंभन किसका किसका होना चाहिए। जल स्तंभन है, अग्नि स्तंभन है, वायु स्तंभन है, वीर स्तंभन है, आक्रमणकारी सेनाओं का स्तंभन है। तो इस प्रकार की स्तंभन विद्या एक ऐसी विद्या है जो हमारे ऊपर आने वाले संकटों को रोक सकने का, रोकने की क्रिया करने वाले को स्तंभन विद्या कहा गया है। और बगलामुखी एक ऐसी देवता है अपने पर आने वाले इन सारी चीज़ों को, हम कुछ भी नहीं कहते लेकिन अपने पीछे कुछ ना कुछ चाड़ियाँ करने वाले, कुछ ना कुछ अपने को बोलने वाले होते हैं। बगलामुखी जो साधना साधक हैं उसके पीछे उसका अगर कोई दोष के कारण उसको कुछ बोलने वाले हैं, ऐसे वैसे बातें बोलने वाले हैं, तो उसका मुख स्तंभन होता है, उनसे शत्रुओं का भी मुख स्तंभन होता है और होना ही चाहिए। ये सारी क्रियाएँ यहाँ नारायण सरोवर में होती ही है
ऐसा कहा गया, हम यंत्र को अगर दिल में, ऐसा ही कहा गया कि अगर बगलामुखी यंत्र को हम हाथ में ले लें और नारायण सरोवर में खड़े रहकर, यहाँ नारायण सरोवर में अगर बाहर हमें 1,25,000 मंत्र जप बगलामुखी का करना है तो हमें 1,25,000 मंत्र जप करना है, लेकिन यहाँ अगर यंत्र को हाथ में लेकर 5 माला केवल नारायण सरोवर में खड़े रहकर करते हैं, पानी में खड़े रहकर, तो उस बगलामुखी को 1,25,000 मंत्र जप किया हुआ निश्चित रूप से हमें फल मिलता है, जो फल बाहर 1,25,000 करने पर भी नहीं मिलता, या नारायण सरोवर में उस बगला मंत्र का जो मंदार विद्या कहा गया है उसको करने पर मिलता है। और कहा गया है कि यहाँ पीपल वृक्ष को जल चढ़ाने के बाद जो मनुष्य उस बगलामुखी मंदार विद्या का यंत्र को अपने हाथ में लेता है तो पितृऋण से तो मुक्त हो ही जाता है और दूसरे ऋणों से भी मुक्त होता है। जैसे हमारे पर कर्जा चढ़ा हुआ है, क्यों कर्जा चढ़ता है, धन का कर्जा हो या पितृऋण हो, मातृऋण हो, गुरु ऋण हो, यह ऋण अपने ऊपर रहने से हमारे कार्यों में बाधाएं आती रहती है, और यहाँ उस ऋण चुकाने का, कर्ज चुकाने का बहुत श्रेष्ठ साधन है जो इस विद्या को, जो इस साधना को यहाँ संपन्न करते हैं। अगर अपने आपके ऊपर पैसों का कर्ज है या और कुछ चल रहा है तो उस मंदार विद्या को करने, और मैंने देखा है मेरा अनुभव है कि मैं जब यहाँ पहली बार आया था मैंने इसी नारायण सरोवर में उस विद्या के साथ मंत्र, क्योंकि मैं जब तक अनुभव नहीं करता दूसरों को कहता नहीं, और मेरा अनुभव है कि जब मैंने यहाँ आकर वो साधना संपन्न की, मेरे उस तरह उस समय मेरे अपने आश्रम की जमीन के बारे में कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बारे में मेरे को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, और वो किस कर्जे के कारण हो रहा था ये मुझे बताया, और उसके लिए पैसा लेने पर कर्जा भी हो गया था। मैंने यहाँ जब आया और गुरु जी के कथनानुसार उस मंदार विद्या को जब किया, मैं अपने आश्रम की जमीन भी छूटी, कर्जा भी बहुत बड़ा चुक गया, वैसे तो कार्य कर रहा हूँ तो कर्जा होना ही होना है, मैं लोग बेटियों की शादी के लिए और दूसरे शादियों के लिए अपने कार्य के लिए घर बांधने के लिए करते हैं, मैं केवल गुरु कार्य के लिए कर्जा कर रहा हूँ, और मुझे निश्चित रूप से याद है कि प्रभु मेरा कर्जा जरूर मिटाएंगे, चाहे करोड़ों में भी हो, उतना कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना सामर्थ्य रखता हूँ तो जरूर कुछ न कुछ होगा ही होगा।